चैनल विच इज स्नेहा राजस्थानी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ निविया का एक प्रोडक्ट। निविया एक ऐसी ब्रांड है जिसके साथ जुड़ी है हमारे बचपन की ढेर सारी यादें। अगर आप 80s और 90s के बच्चे हैं तो आपको निविया की वो ब्लू कलर की डब्बी याद होगी, और हम इंतजार करते थे कि कब वो खत्म होगी और कब हमें उससे खेलने को मिलेगा। मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने जो भी फ्रॉक्स के फैंसी बटन्स होते थे, छोटी छोटी रिंग्स होती थी, या फिर मम्मी की कोई बिंदी होती थी ग्लिटर वाली जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो सारी चीजें मैं उस निविया की डब्बी में कलेक्ट करके रखती थी। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ निविया का ही एक प्रोडक्ट जो कि है डिओड्रेंट रोल ऑन। जी हाँ, निविया का डिओड्रेंट रोल ऑन जो है वो है व्हाइटनिंग एंड स्मूथनिंग। ये क्लेम करता है कि ये आपकी अंडर आर्म्स को, अगर आपके अंडर आर्म्स ब्लैक हैं तो ये उनको व्हाइटनिंग करने का क्लेम करता है। और अगर निविया जैसी ब्रांड इस तरह का क्लेम करता है, आई ट्रस्ट निविया, आई थिंक यू ऑल्सो ट्रस्ट निविया। अगर आपने निविया के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो आपको पता होगा कि इस तरह की ब्रांड जो है वो अगर कुछ क्लेम करती है तो वो लगभग सच होते हैं। तो उसी तरह मैंने भी यूज किया है। एक ये छोटा रोल ऑन मैंने कम्प्लीटली यूज कर लिया है, ये सेकेंड वाला है जो कि बड़ा है। और तो मैं आपको बता दूं फटाफट इस प्रोडक्ट के बारे में, ये इवन टोन और स्मूथर अंडर आर्म्स का क्लेम करता है, 48 आवर्स स्टे का क्लेम करता है। इसमें विटामिन सी है, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं स्किन लाइटनिंग के लिए, दोनों ही जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो। और 48 आवर्स का तो मैं नहीं कह सकती आपको, लेकिन मैंने इसको आफ्टर बाथ यूज किया तो 6 to 7 आवर्स तक तो पक्का स्टे करता है। और जहां तक मेरा पर्सनल आप पूछेंगे इसके एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं कहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे रिजल्ट मिला भी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि एकदम से डार्क थे और फिर वो व्हाइट हो गई अंडर आर्म्स एरिया, लेकिन हाँ 2 शेड्स लाइटर जरूर हुए हैं। और उसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जो आपको इरिटेट करे। तो और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ml एंड प्राइस इज 185 रुपीज में प्रोडक्ट, और काफी लंबा टाइम चलता है। जी हाँ, मैंने इसे यूज किया तो 4 मंथ्स तक तो आपको देखने की और सोचने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं ये प्रोडक्ट आपको हाईली रिकमेंड करूंगी मेरी तरफ से। अगर आपको जरूरत है और आपको फील होता है कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए तो ही ट्राई कीजिए, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करती। बस ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं अपने चैनल में दिखाती हूँ जो पर्सनली मैंने यूज किए और उनका रिजल्ट अच्छा रहा है। तो मैं चाहती हूँ लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। डिओड्रेंट तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ही, साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी रिकमेंड कर सकती हूँ। वो है कि आप अपना जो कॉफी पीते हैं उसमें से 1 स्पून पाउडर एक बाउल में डालिए और 1/2 लेमन का जूस जब वो स्क्वीज करके उन दोनों को मिक्स करके आप अपने अंडर आर्म्स में एज ए स्क्रब यूज कर सकते हैं। और ये एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, आप बार बार जब उसको अप्लाई करेंगे स्क्रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो लाइटनिंग हो रही है, धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है। तो आई होप ये घरेलू नुस्खा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो यूज कीजिए। तो मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, भाई मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, तो आप लोगों के साथ एक यू नो बॉन्डिंग सी बनती जा रही है मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ में। तो आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है और आप उसे परचेज करने वाले और चाहते हैं कि मैं पहले रिव्यू करूं, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और प्लीज यार थोड़ा सा खुली ये बातें कीजिए तभी ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।